स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। एनडीए को एक और झटका, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी दिखाए बागी तेवर। बिहार में बड़ा महागठबंधन का कुंबा, एनडीए छोड़ने वाले कुशवाहा ने थामा हाथ। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से इस्तीफा देकर एनडीए से अलग हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए। वहीं चिराग पासवान से अमित शाह ने की मुलाकात। भाजपा नेता एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ने बेटे चिराग के साथ गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। चिराग ने 2 दिन पहले बिहार में सीटों के बंटवारे और एनडीए के दलों में को भाजपा नेताओं की ओर से सम्मान न मिलने को लेकर नाराजगी जताई थी। वहीं एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर, शिमला से भी ठंडी रही राजधानी। दिल्ली में 3 साल में दिसंबर की सबसे सर्द सुबह, पारा 4 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा, पंजाब, यूपी में कई जगह पारा 3 डिग्री से भी नीचे दर्ज। गुड़गांव में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस। पाला पड़ने से खेतों में जमी सफेद बर्फ। कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। स्काई पैड के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी भारत की ओर से चलने वाली हवाएं ड्राई और ठंडी हो जाती हैं, इसी वजह से तापमान में तेजी से कम हो जाता है। आगे और भी पारा गिरने के आसार। वीरप्पा मोइली बोले, एयर चीफ धनोआ ने झूठ बोला और सच को दबाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं और यह आरोप उन्होंने रफाल सौदे के सिलसिले में लगाए हैं। एक दिन पहले धनोआ ने रफाल डील को गेम चेंजर और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया था। आज पुलिस अफसर की हत्या से ज्यादा गाय की मौत को तवज्जो, ऐसा कहना है फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह का। डर लगता है कहीं भीड़ मेरे बच्चों को घेर उनसे धर्म न पूछे। शाह बोले, बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी, वे जहर समाज में फैल चुका है और इस जिनको दोबारा बोतल में भरना मुश्किल होगा। मेट्रो लेट हुई तो ट्विटर पर मिलेगी जानकारी। सोशल मीडिया पर आई मेट्रो, धीरे धीरे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ेगी दिल्ली मेट्रो सर्विस। डीएमआरसी के नाम से बने हैं ये से बने ये नहीं है ऑफिशियल हैंडल। ब्लू लाइन पर करीब 1.5 घंटे यात्री हुए परेशान। गुरुवार को ब्लू लाइन पर मेट्रो पर सिग्नल की दिक्कत आई, इसके कारण यात्रियों को मेट्रो देरी से मिली और ट्रेन के गुच्छे बन गए। 84 के दंगे, सजा के 3 दिन बाद दूसरे केस में पेश हुए सज्जन सिंह। सुल्तानपुरी दंगा, 16 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कोर्ट में पेश, सुनवाई 22 जनवरी को। केस में देरी हो इसलिए नहीं आए सज्जन के वकील गवाह चमकोर। 1984 के सिख विरोधी दंगों में 5 लोगों की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के 3 दिन बाद वीरवार को सज्जन कुमार एक अन्य मामले में दिल्ली कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी है। इधर नाती पोतों का हवाला देकर सरेंडर को मांगे 30 दिन। सिख विरोधी दंगा मामले में 5 लोगों की हत्या के दोषी करार सज्जन ने सरेंडर करने के लिए 30 दिन की मोहलत मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट में दी याचिका में नाती पोतों में परिवार का हवाला देते हुए मांग की है। इस पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट के बाहर पीड़ितों ने की नारेबाजी। केस की सुनवाई होने के बाद सिख दंगा पीड़ित पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जुटे और सज्जन कुमार को फांसी दो के नारे लगाए। कमलनाथ के एमपी के सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग भी की। राजस्थान सरकार के फैसले, किसान कर्ज माफी को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? सोशल छापा, किसी ने कहा भाजपा और कांग्रेस अपने पार्टी फंड से कर्ज माफी करे, हमारे टैक्स के पैसों से नहीं। तो कोई बोला होम लोन कार लोन भी माफ कर दो। 7 दिन में दूसरी बार आरएएस परी के परिणाम में विस्तार, 105 अभ्यर्थी बढ़े। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 7 दिन के भीतर आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 का दूसरी बार विस्तारित परिणाम जारी किया है। अब 105 और अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित कर दिया गया है। हमारा ब्रेन 10 नहीं 100% काम करता है। आम धारणा यही है कि मनुष्य अपने ब्रेन का 10% ही उपयोग करता है, यह बात पूरी तरह गलत है। सच तो यह है कि इंसानी दिमाग 100% काम करता है, इसके सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। यह भ्रांति शायद इस तथ्य से उपजी है कि हमारे मस्तिष्क की संरचना में न्यूनतम न्यूरॉन्स केवल 10% होते हैं, बाकी 90% भाग ग्लियल कोशिकाओं और उनकी सहायक सबसेट जैसे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आदि का बना हुआ है। स्विगी ने 7,000 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई, कंपनी की वैल्यूएशन 23,000 करोड़ रुपए हुई। इस पैसे से नए रेस्टोरेंट जुड़ेगी, टेक एक्सपर्ट की भर्तियां भी करेगी कंपनी। स्विगी फूड डिलीवरी बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी। स्विगी का मार्केट शेयर 38%, पिछले साल 397 करोड़ का घाटा हुआ था। यह देश की किसी भी फूड स्टार्टअप में अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग। 2018 में इन स्टार्टअप की हुई $1 अरब वैल्यूएशन। जोमेटो, पॉलिसी बाजार, पेटीएम मॉल, फ्रेश वर्कर, ओयो और उड़ान जैसी स्टार्टअप की $1 अरब की वैल्यूएशन हो चुकी है। स्टार्टअप अनुकूल माहौल बनाने में गुजरात सबसे आगे। DIPP ने जारी की रैंकिंग, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, केरल को टॉप परफॉर्मर में शुमार किया। फेड की ब्याज दर बढ़ाने से भारतीय शेयर बाजारों की 7 दिन की तेजी थमी। फेड ने ब्याज दर
0.25% बढ़ाई, सेंसेक्स 52.66 अंक लुढ़का। क्रूड की नरमी से 20 दिन बाद रुपया 70 से नीचे आया। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने पर असर ब्रेंट क्रूड की कीमतों में नरमी के रूप में देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड के दाम 2.74% गिर कर $55.67 प्रति बैरल रहे। इससे रुपया 69 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत ₹69.70 रही। 20 दिन बाद पहली बार यह 70 से नीचे आया है। सरकार बैंकों में 3 माह में 83,000 करोड़ रुपए डालेगी। वित्त मंत्री ने कहा, पूंजी मिलने से सरकारी बैंक ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के बचे 3 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। इससे पहले दिन में सरकार ने अनुपूरक अनुदान मांगों की दूसरी किस्त के जरिए 85,948 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च पर संसद से मंजूरी मांगी। एयर इंडिया में निवेश के लिए 2,345 करोड़ रुपए की मंजूरी। बैंकों की ये 3 जरूरतें पूरी करने के लिए मिलेंगी रकम। बैंक पर्याप्त पूंजी के रिजर्व बैंक के नियमों को पूरा करें। पीसी में शामिल बेहतर बैंकों की जरूरतें पूरी हो। पीसी के कगार पर पहुंचे बैंकों को बचाने के लिए। ओलंपिक में 5 गोल्ड जीतने वाली अमेरिकन स्विमर फ्रैंकलिन ने 23 साल की उम्र में ही संन्यास लिया। कहा, पत्नी और माँ बनने के लिए तैयार। फ्रैंकलिन ने लेटर लिखकर अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। वहीं फुटबॉल मैच के दौरान टोटेनहम के डेले एली के सर पर फैन ने बोतल मारकर फेंककर मारी। मामले की जांच जारी। टोटेनहम ने आर्सेनल को 8 साल बाद हराया था। फुटबॉल 20 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन टीम नंबर 1 के साथ साल का अंत करेगी। 2018 की आखिरी रैंकिंग जारी। बेल्जियम की टीम नंबर 1 पर रही। जर्मनी 1 साल में 15 पायदान नीचे आया। 2014 में चैंपियन बना था। इस साल फ्रांस ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। टीम दूसरे नंबर पर रही है। पिछले साल अर्जेंटीना रैंकिंग में 7 पायदान नीचे आया। स्विट्जरलैंड की टीम 1 साल से 8वें नंबर पर कायम। चीन से ड्रॉ खेल भारत 97वें स्थान पर पहुंचा, 8 स्थान ऊपर चढ़ा। कस्टन आईपीएल से जुड़े रहना चाहते थे, इसलिए रमन बने कोच। रिपोर्ट, पूर्व ओपनर बल्लेबाज WB रमन को महिला टीम का नया कोच नियुक्त किया है। पूर्व कप्तान कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और एस रंगास्वामी की कमेटी ने गैरी क्रिस्टन, रमन और वेंकटेश प्रसाद के नामों की सिफारिश की थी। 53 वर्षीय रमन फिलहाल बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बल्लेबाजी सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। BCCI के एक अधिकारी ने कहा, क्रिस्टन ही सिलेक्शन कमेटी की पहली पसंद थे, लेकिन वे IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ बने रहना चाहते थे, इस कारण रमन को कोच बनाया गया। टेस्ट रैंकिंग, कोहली नंबर 1 पर बरकरार, लॉयन और हेजलवुड टॉप 10 में। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करियर की बेस्ट 28वीं रैंकिंग पर पहुंचे। फ्रांस में महंगे तेल कीमतों के विरोध में लोग सड़कों पर। हंगरी में ओवरटाइम वाले श्रम कानून तो अल्बानिया में महंगी फीस को लेकर लोगों में गुस्सा। यूरोपीय देश जन आंदोलनों से जूझ रहे हैं। हंगरी साल में 400 घंटे ओवरटाइम का विरोध। सर्बिया हिंसा के विरोध में 28 साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन। वहीं अल्बानिया महंगी पढ़ाई को लेकर लोगों में गुस्सा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमेरिका मध्य पूर्व के देशों का दरोगा नहीं बनना चाहता। लोकसभा में 32 साल बाद आया उपभोक्ता संरक्षण बिल। गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगेगी, 2 साल की सजा होगी। 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अपराध दोबारा करने पर सजा 5 साल तक बढ़ेगी। दोषी सेलिब्रिटीज को जेल नहीं होगी, उन पर केवल जुर्माना लगेगा। हंगामे से नाराज लोकसभा स्पीकर ने नियम समिति की बैठक बुलाई। 3 तलाक को रोकने वाले बिल पर लोकसभा में 27 को चर्चा होगी। पहली बार वोटर्स के लिए भाजपा चलाएगी अभियान। 18 से 23 साल के 15 करोड़ वोटर्स को जोड़ने के लिए पार्टी ने बनाई रणनीति। जनवरी से मार्च के बीच में चलेंगे 14 अभियान। जैसे रमजान रहमान जिसान, वैसे ही हनुमान जी भी मुसलमान। बुक्कल का, हनुमान जी के नाम पर हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता और MLC बुक्कल नवाब ने गुरुवार को हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। बुक्कल नवाब ने भगवान हनुमान को मुसलमान बताया और कहा, उनके नाम पर ही हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं। विधानसभा में सीएम योगी बोले, जाति मजहब का भेदभाव हमने खत्म किया। वहीं आगरा में पेट्रोल डालकर छात्रा को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको मॉर्निंग न्यूज पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस समाचार बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।